प्रश्न, मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र के इमाम साहब प्रत्येक नमाज के बाद 3 बार जिक्र के यह वाक्य दोहराते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्नत व नऊजु बिका मिनन्नार, अर्थात मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज नहीं है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ तथा हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं और जहन्नम से पनाह मांगते हैं। क्या यह सुन्नत से साबित है? क्या हम इसे दोहरा सकते हैं? तथा अन्य दुआएं क्या है? मैं इन्हें जानना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें अभी से दोहराता रहूँ। उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में रमज़ान के मुबारक महीने से संबंधित विशेष अज़कार या दुआएं वर्णित नहीं है, सिवाय इसके कि जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रमज़ान के अंतिम दहे में लैलतुल क़द्र को तलाश करने के बारे में वर्णित हुआ है। वो कहती हैं, मैंने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी क्या राय है? यदि मुझे पता चल जाए कि शब क़द्र कौन सी रात है तो मैं उसमें क्या पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाअफ़ु अन्नी, अर्थात ऐ अल्लाह, निसंदेह तू ही क्षमा करने वाला है और तू क्षमा को पसंद करता है, अतः मुझे क्षमा कर दे। इस हदीस की रिवायत तिर्मिज़ी हदीस संख्या 3513 ने की है और कहा है कि यह हदीस हसन सही है, तथा हदीस संख्या 3683 भी देख सकते हैं। तथा इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में इस प्रतिष्ठित महीने से संबंधित निश्चित संख्या और निर्धारित अज्र व सवाब के साथ विशिष्ट अज़कार वर्णित नहीं है। मुसलमान के लिए मुस्तहब ये है कि वो हर समय अल्लाह का जिक्र करता रहे, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, तथा जिक्र और दुआ दोनों एक साथ करें ताकि इस महीने के दिनों और रातों से लाभान्वित हो, विशेषकर उन अवकात में जिनमें दुआएँ स्वीकार होती हैं, जैसे सहरी के समय और जुमा के दिन नमाज असर के बाद इत्यादि। चुनांचे सच्चाई व ईमानदारी के साथ अल्लाह से जन्नत का सवाल करें और जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगे। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह कहते हैं, बिदअत धर्म में आविष्कार कर लिए गए ऐसे तरीके को कहते हैं जो शरीयत के सदृश हो, जिस पर चलने का उद्देश्य अल्लाह सुबहानहु व तआला की इबादत में अतिशयोक्ति करना हो। फिर उन्होंने कहा, उन्हीं बिदअतों में से विशिष्ट कैफियतों और स्वरूपों की पाबंदी करना है, जैसे एक ही आवाज़ के साथ एकत्र होकर जिक्र करना, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को ईद व खुशी का दिन बनाना और इस जैसी अन्य चीज़ें, तथा उन्हीं में से एक विशिष्ट समय में विशिष्ट इबादतों की प्रतिबद्धता करना है जिसको शरीयत में विशिष्ट नहीं किया गया है। अल-इतिसाम से उनका उद्धरण समाप्त हुआ। इस अवसर पर आपको इस बात से भी सावधान करना चाहेंगे कि बहुत से ब्लॉग्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स और फोरम पर रमज़ान के महीने के प्रत्येक दिन के बारे में जो विशिष्ट दुआएं तथा अज़कार प्रकाशित किए जाते हैं, वे सब के सब लोगों द्वारा आविष्कारित और गढ़े हुए हैं, जबकि यह सब की सब चयनित चीज़ें हैं जिन्हें कुछ लोगों ने पोस्ट कर दिया है, फिर उसे बहुत से लोगों ने इस प्रतिष्ठित महीने से संबंधित शरई इबादत समझ लिया है। तथ्य यह है कि यह सुन्नत से साबित नहीं है और ना ही इबादत के विषय में हदीस में वर्णित तरीकों में से है। इसलिए मुसलमानों को सुबह और शाम नमाजों के बाद तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर पढ़े जाने वाले अज़कार को पढ़ने का इच्छुक होना चाहिए तथा कुरान करीम की तिलावत, उसका अध्ययन और उसके अर्थों में मनन चिंतन करने में परिश्रम करना चाहिए। इस पर अल्लाह ताला के हुक्म से उसे वो प्रतिफल मिलेगा जिसे वो चाहता है, तथा वो सवाब हासिल होगा जिसे वो खोज रहा है, और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।